नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के आतंकियों पर कसा तंज और बदले में पाकिस्तान के आतंकियों ने बोला हमला। जी, आखिरकार पाकिस्तान में ही आतंकियों को पलते हैं। विश्व के सारे देश पाकिस्तान को मिटाने पर तुला है, क्योंकि हर जगह हो रही आतंकी हमले पर सारे देश नाराज हैं और अब मिलकर पाकिस्तान का दी एंड करने वाले हैं। जी, आज बड़ी खबर आ रही यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने वो प्रस्ताव पास कर दिया है जिससे कि पाकिस्तान डरता था। पाकिस्तान के आतंकवादी डरते थे कि यूनाइटेड नेशन ऐसा ना करे, लेकिन आज यूनाइटेड नेशन ने वैसा ही कर दिया। और आपको बता दूं, अभी हम आपको पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं और दिखाएंगे कि क्या गतिविधियां हैं पाकिस्तान के आतंकवाद की, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद आज डर गया है, आज सहम चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंक पर आज यूनाइटेड नेशन की मुहर लग चुकी है। बता दूं, यूनाइटेड नेशन ने भारत ने पाक पर साधा निशाना, कहा आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। जी हां, यूनाइटेड नेशन में भारत ने इस मुद्दे को छेड़ दिया है कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद को बंद करे, और जो इमरान खान इसका समर्थन कर रहे हैं उनका समर्थन भी गलत है। बता दूं आपको, संयुक्त राष्ट्र, भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के धर्मों के प्रति घृणा की अपनी मौजूदा संस्कृति छोड़ दे और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दे, तो दक्षिण एशिया और अन्यंत्र सभी शांत की सच्ची संस्कृति के लिए कोशिश की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान का आतंकवाद अब केवल एक ही धर्म चाह रहा है, वो भी मुसलमान। केवल मुस्लिमों को छोड़ रहा है, बाकी सभी धर्मों को आखिरकार क्यों मार रहा है? बता दूं आपको, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति की संस्कृत सत्र को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि आज की दुनिया में अहिंसुता, घृणा, हिंसा और आतंकवाद एक प्रकार के नियम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद हिंसा और अहिंसुता का ही एक रूप है और सभी धर्मों और संस्कृतियों के विपरीत है। शर्मा ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के धर्मों के प्रति घृणा और वर्तमान संस्कृति छोड़ दे और हमारे लोगों के खिलाफ सीमा पार अपने घुसपैठियों को, आतंकवादियों का समर्थन ना दे, तो भारत एक अच्छा देश बन जाएगा। क्योंकि भारत ही नहीं, बल्कि देखा जाए तो विश्व के कई देश पाकिस्तान के आतंकवाद से थर्राए हुए हैं, क्योंकि आतंकी किसी के नहीं होते, आतंकी किसी के नहीं होते। क्योंकि फ्रांस में जो घटना हुई वो भी एक आतंकवादी घटना थी, सऊदी अरब की घटना, भारत में पीओके जम्मू कश्मीर में हो रही ये घटनाएं कहीं ना कहीं भारत में ये विवाद पैदा कर रही हैं और एक धर्मों को लड़ा रही हैं। क्योंकि आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, और जब हम आतंकवादियों को मुसलमान का दर्जा देते हैं तो भारत में बैठे मुसलमानों को मिर्ची लगने लगती है और ये कहते हैं नहीं, मुसलमान आतंकी नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसीलिए भारत के मुसलमान तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर कहीं के भी मुसलमान ऐसे करते हैं तो संदेह के दायरे में ज़रूर आते हैं। बता दूं आपको, शर्मा ने यह भी कहा है कि दक्षिण एशिया और अन्यंत्र भी हम शांति की सच्ची संस्कृति के लिए कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरों का भी जिक्र करते हुए कहा, तब तक हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर धमकियों, नियंत्रण, जबरन धर्म परिवर्तन और हत्या के खामोश तामाशाही रहेंगे। यहाँ तक सामान धर्मों के लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा, हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देना अथवा उसकी अनदेखी करना जिसी राक्षस को पालने पोसने जैसा है, जो एक दिन हमें ही खा जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों से ऐसी नकारात्मक ताकतों से अलग अलग लड़ने के बजाय मिलकर लड़ने का अनुरोध किया है। शर्मा ने कहा, अलग अलग विफल होने के बजाय आइए हम सब एक साथ मिलकर शांति की संस्कृति को विकसित करें और पाकिस्तान के आतंकवाद को मिटाएं। ऐसा कहने से ही
पाकिस्तान का आतंकवाद थर्रा जाता है, पाकिस्तान का आतंकवाद सहम से जाता है, क्योंकि आतंकी किसी के नहीं होते। जो अल्पसंख्यक इस समय पाकिस्तान में हैं उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा। तो इसीलिए हम एक आतंकवादियों का साथ ना देकर बल्कि अपनी संस्कृति का साथ दें, अपने देश का साथ दें। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी मारा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम मारी जा रही है। सऊदी अरब जो एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर भी आतंकवादियों ने हमला किया, वहाँ पर भी लोगों के गले काटे। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आपने देखा कि किसानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, किसानों को भी मारा जा रहा। तो आज यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव भारत ने रखा है वो उस पर मुहर लग चुकी है, और अब पाकिस्तान के आतंकवाद को मिटाने के लिए कमर कसी जा रही है, और जल्द ही पाकिस्तान का आतंकवाद मिट जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में बैठे टुकड़े टुकड़े लोग ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पूरे देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, और जब पूरा देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा तो हम आज़ादी से रहेंगे, और हमारे आतंकवादी भाई हैं हम उनका साथ देंगे, तो आने वाले वक्त में वो भी हमारा साथ देंगे। लेकिन उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, ये उनकी बुरी सोच है, ये उनकी काली सोच है। आतंकवादी किसी के नहीं होते, आतंकवादी किसी के नहीं होते, इसीलिए आतंकवाद का समर्थन करना भी हमारे लिए गलत होगा। जो लोग आज आतंकवाद का समर्थन दे रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आतंकवाद का नहीं बल्कि देश का सम्मान कीजिए, देश के संविधान पर चलिए, देश के प्रधान का सम्मान कीजिए, क्योंकि आतंकवादी किसी के नहीं होते। अगर आज आप देश का सम्मान नहीं करेंगे तो आतंकी आप पर भी हमला बोलेंगे, आतंकवादी आपको भी गुलाम बनाकर अपने पैरों की धूल समझकर आपको लात मारते रहेंगे। तो क्या आप चाहते हैं? नहीं तो कोई भी मुसलमान है, अगर हमारी वीडियो देख रहा कोई भी मुसलमान है, लगभग मुसलमान आतंकवादियों का साथ देते हैं, कुछ मुसलमान जो हमारी बात सुन रहे हों उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भारत के संविधान ने क्या आपको दर्जा नहीं दिया? भारत के प्रधान ने क्या आपको दर्जा नहीं दिया? किस बात की कमी है आपको? जो सुविधाएं हिंदुओं के लिए हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए भी दी जा रही हैं। आपके लिए स्पेशल लॉ बोर्ड भी बनाया गया है, आपकी सुनवाई जल्दी होती है, फिर क्यों आप डरे हुए हैं? क्यों आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं? क्योंकि ये संदेह का दायरा बन चुका है, आतंकवादी मुसलमान होते हैं और मुसलमानों को भी उसी नज़र से ना देखा जाए, इसके लिए आप भारत सरकार का साथ दीजिए, भारत संविधान का साथ दीजिए, ना कि पाकिस्तान के आतंकवाद का, ना कि पाकिस्तान के जय जयकारे का। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब कोई विवाद होता है तो लोग पाकिस्तान के जय जयकार के नारे लगाने लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने लगते हैं। ऐसा क्यों? कोई है मुसलमान जो मुझे ये बताएगा ऐसा क्यों? क्योंकि आज लगातार आतंकी बढ़ रहे हैं, लगातार भारत में भी आतंकी घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और पनाह देने वाले अड्डे बन चुके हैं मस्जिद, मदरसा और मुसलमानों के घर। कुछ हिंदू भी शामिल हैं इसमें, हम एक ही धर्म को नहीं कह रहे, लेकिन जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे यही विनती है कि आप आतंकवाद का साथ ना दें, क्योंकि आतंकवादी किसी के नहीं होते। वो जब किसी दूसरे मुसलमान का गला काट सकते हैं तो आपका भी गला काट सकते हैं, वो चंद पैसे के लिए आपका ईमान खरीद लेंगे, आपको मुसलमान से एक मुसलमान आतंकवादी बना देंगे, एक हिंदू से एक हिंदू मुसलमान आतंकवादी बना देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि आप आतंकवादी बने? इसीलिए आपसे विनती है कि आप देश का साथ दें, और आज यूनाइटेड नेशन ने इस बात की मुहर लगा दी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है और अब पाकिस्तान को बर्बाद करना होगा। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।